नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवांग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी इंडियन आर्मी SSC रिक्वायरमेंट 2021 का। अभी आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और इसमें क्या टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या ये भर्ती आपकी है। तो इसमें अगर बात करें टोटल 191 पद हैं और मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए भर्ती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी SSC का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी SSC का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी SSC का आपका सिलेबस क्या होगा, इंडियन आर्मी SSC का आपका जो वेतन यानी सैलरी क्या होगी, इंडियन आर्मी SSC ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, इंडियन आर्मी SSC का आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इस भर्ती के संबंध में जानना आवश्यक है, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्या विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन इसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी चीजें देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, इंडियन आर्मी SSC वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी आपका हाल ही में जारी हुआ था। नोटिफिकेशन आपका 22 मई को जारी हुआ था और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 मई से शुरू हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने अवैध पुरुष व महिलाओं से शॉर्ट सर्विस कमीशन में यानी SSC में भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना ने ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी OTA चेन्नई में अक्टूबर 2021 में शुरू होने वाले 57वें शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन कोर्स और 28वें शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन कोर्स के लिए 191 पदों पर ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 मई 2021 से 23 जून 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी SSC टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां इंडियन आर्मी SSC ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसकी आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी SSC वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो मेन कोर्स है जो 57वां कोर्स आपका, उसमें क्या है मेन्स के लिए 157 पोस्ट है, वुमेन का 28वां कोर्स है इसके लिए 14 पोस्ट है और विडोज के लिए क्या है 2 पोस्ट है। तो इस तरह से आपकी क्या टोटल 191 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी SSC का आपका जो शैक्षणिक योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए। इंडियन आर्मी में SSC टेक्निकल में एंट्री पाने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से इंजीनियर की डिग्री हासिल करना अनिवार्य है। बता दें कि इसमें लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन उन्हें 1 अक्टूबर 2021 तक पास होने का सर्टिफिकेट देना होगा। यानी इन्होंने ये साफ साफ बता दिया है कि अगर आप इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या रखी है कि 1 अक्टूबर 2021 तक के आपको पास होने का सर्टिफिकेट देना होगा। ये आपको कहाँ से प्राप्त करना है, कैसे करना है, ये आपको जो आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दूंगा इसी वीडियो के आगे उसी में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इंडियन आर्मी SSC वैकेंसी के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो जो आपका 57वां कोर्स है और 28वां कोर्स है उसके लिए क्या है आपकी 20 साल है वो कम से कम आयु होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष आयु हो सकती है। अगर बात करें नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए तो आपकी आयु वो 18 से लेकर 35 वर्ष आपकी आयु हो सकती है और जो आपको ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है जो सरकार नियम के अनुसार वो आपको छूट है वो यहाँ पे भी आपको दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी SSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की इंपोर्टेंट डेट के बारे में। अगर बात करें तो इंडियन आर्मी की भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है, 23 मई को। इंडियन आर्मी SSC का आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है वो क्या है यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 25 मई से। लास्ट डेट क्या आपकी, 23 जून, यानी 23 जून तक आपको अपना फॉर्म भर के वो सबमिट कर देना है, अदरवाइज आपका फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो आप फॉर्म भरोगे उसमें आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे यानी इंडियन आर्मी SSC ऑनलाइन फॉर्म के लिए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी
उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय सेना SSC आवेदन पत्र प्रिंट आउट, यानी जो आप फॉर्म भरोगे उस फॉर्म की क्या है ओरिजिनल कॉपी, यानी आपको प्रिंट आउट निकालना है, उसमें आपके हस्ताक्षर करने हैं, स्वसत्यापित फोटो के साथ आपको क्या है ये भरना है। इसके साथ आपको कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, इसके साथ 12वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड, इसके अलावा इंजीनियर डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें सेमेस्टर की मार्कशीट जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। CGPA ग्रेड को विश्वविद्यालय के बाद अंकों में बदलने के फार्मूले के संबंध में परीक्षा नियंत्रक या फिर संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। साथ में आपको और क्या क्या लगाने हैं, इंजीनियरिंग डिग्री या MSc कंप्यूटर साइंस के दूसरे सेमेस्टर या फिर आर्किटेक्चर के 8वें सेमेस्टर के लिए 6ठे सेमेस्टर तक अंकों के संचयी प्रतिशत के संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक रजिस्ट्रार डीन या कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को प्रिंसिपल या संस्था के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र है वो लाना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि उम्मीदवार है वो अंतिम वर्ष में है और उसका परिणाम वो पाठ्यक्रम शुरू होने के 1 महीने के पहले तक घोषित किया जाएगा। यानी आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डीन या फिर रजिस्ट्रार से आपको एक एप्लीकेशन लिखवा के लेके आनी है जिसमें ये सत्यापित किया गया हो कि आपका रिजल्ट है वो जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा अक्टूबर 2021 में उसके 1 महीने के पहले तक यह घोषित हो जाएगा। इसके साथ आपको एक एप्लीकेशन और लगानी है जिसमें आपको ये लिखवा के लेके आना है कि अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र कि वह पाठ्यक्रम शुरू होने के 1 महीने के पहले महीने में उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। यानी जो आपका परिणाम आ जाएगा लास्ट ईयर का वो आप वहाँ पे प्रस्तुत करोगे, एक एप्लीकेशन आपको ये लगवाने हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो आपके फॉर्म वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंडियन आर्मी SSC का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इंडियन आर्मी SSC सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री में प्राप्त मार्क के आधार पर उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। SSB इंटरव्यू 5 दिन का होगा। एग्जाम के 2 स्टेज होंगे, फर्स्ट स्टेज पास करने वालों को दूसरे स्टेज में एंट्री मिलेगी। यानी आपके 2 स्टेज होगी इसमें, जो आपका SSB इंटरव्यू होगा इसमें पहले स्टेज में क्या है 2 होंगे जिसमें क्या आपका एक इंटेलिजेंस होगा और दूसरी एक क्या इमेज पहचाननी आपको, ये 2 चीजें होंगी। उसके बाद दूसरा राउंड होगा उसमें 3 चीजें होंगी वो आपको आगे बताई जाएगी क्या क्या होगी। अगर आप फर्स्ट स्टेज में फेल हो जाते हो तो दूसरे स्टेज के लिए आपको क्या है अप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यानी इंडियन आर्मी SSC का आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें तो जो आपकी क्या है टेक्निकल पोस्ट के लिए, ये हाइट की अगर बात करें तो मेन के लिए कि आपकी यानी मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 157.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट हो सकती है कम से कम। वेट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए क्या हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट चलेगा, वुमेन के लिए कम से कम 42 किलो वजन होना अनिवार्य है। बात करते हैं इसमें आपकी 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी, 15 मिनट में आपको पास करनी है, 13 पुशअप लगाने हैं, 25 सीटअप लगाने हैं, 6 चिन अप्स लगाने हैं और 3 से 4 मीटर आपको रोप क्लाइंबिंग भी करनी होगी। तो आपसे ये चीजें करवाई जाएगी, आपकी ओनली क्वालिफाई नेचर की होगी, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं आपका SSB इंटरव्यू के बारे में क्या क्या होगा। तो स्टेज फर्स्ट में आपका क्या क्या होगा, मैंने 2 आपको बताए थे, एक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, दूसरा होगा पिक्चर परिसपेशन डिस्कशन टेस्ट। ये 2 अगर आप पास करते हो तो आपको दूसरे राउंड के लिए क्या आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी आपको आगे भाग में। फिर तो आपको 3 और पास करने, इसमें क्या क्या होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड फॉर 2 डेज और उसके बाद आपका एंट्री होगा, ये आपकी चीजें होगी। अगर आप ये दोनों राउंड पास करते हो तो आपको क्या है इस भर्ती के लिए क्या है आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपको जो परमानेंट है वो आपको रैंक दे दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं जब आपको रैंक मिल जाएगी तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो इंडियन आर्मी SSC टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडियन आर्मी SSC की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो होगा 49 वीक का, यानी 49 वीक का आपका क्या है ट्रेनिंग पीरियड होगा। इस 49 वीक के अंतर्गत आपको क्या है 15,500 रुपये के MSB आपको प्रदान किया जाएगा, जो मिलिट्री सर्विस पे होता है आपका वो आपको क्या है यहाँ पे
किया जाएगा। जब आपको फाइनल रैंक मिल जाएगी तो आपकी सैलरी होगी वो 56,100 रुपये से लेकर 1,67,500 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। तो ये थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि इंडियन आर्मी SSC की भर्ती है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट है, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अब भरने शुरू हो चुके हैं। साथ में हम डिस्कस किया कि इंडियन आर्मी SSC का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, अगर इसमें आपका एग्जाम होगा तो इंडियन आर्मी SSC का एग्जाम बेटर क्या रहेगा, अगर इसमें एग्जाम होगा तो इंडियन आर्मी SSC का आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, इंडियन आर्मी SSC के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रिपोर्टेड डॉक्यूमेंट होंगे वो क्या क्या होंगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपको इस भर्ती के संबंध में जानना जरूरी थी मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।